हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग दो चरण वाले रैखिक समीकरण युग्म का सेकंड पार्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। और आप लोगों को, जिन लोगों को फर्स्ट वीडियो में कोई दिक्कत या कोई समस्या रही होगी, तो उन लोगों को भाई मैं बता दूं कि पार्ट जो सेकंड चल रहा हूँ वीडियो में, यहाँ भी आप लोगों को थोड़ा लुकआउट हम फर्स्ट वीडियो का देने का प्रयास करते हैं। यदि आप यहाँ भी समझ जाए तो फिर आप लोगों को कोई ज़्यादा मतलब कि जरूरी नहीं हो जाता फर्स्ट वीडियो को समझना। केवल उसमें एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसको छोड़ दिया जाए तो आप उसको भी कर पाएंगे। फिर से समझने का कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ से दो चर वाले, सबसे पहले कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण जो होता है, इसमें दो चर होंगे। दो चर मतलब कि जैसा कि आप लोगों को पता है, ए बी, एक ए तो दूसरा बी, एक एक्स तो एक वाई, एक मतलब कि कुछ तो दूसरा कुछ, यानी कि दोनों अलग अलग होंगे। और यहाँ कल का वीडियो में हमने चला था दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है, जो कि सिंपल है। जैसे हम बोल दें कि यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 10, यहाँ पे इसका हम बोले थे कि यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों है? क्योंकि इन सभी चरों का घात जो है एक है, पावर कितना है? एक है, तो इसलिए यह क्या है, तो रैखिक समीकरण कहलाएगा, पावर एक होने के कारण। और दो चर है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पे हम यदि x का मान मान ले एक, यदि माना कि x बराबर एक तो y का वैल्यू कुछ और आएगा। यदि इसी जगह पर हम x के लिए 2 मान ले तो y का वैल्यू फिर अलग आ जाएगा, 3 मान ले तो y का वैल्यू अलग, 4 मान ले तो y का वैल्यू अलग। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है, अनेक मान आने के कारण। यहाँ पे यदि आप लोग समझ लिए तो यहाँ पे आप लोग करके देख लीजिएगा। जैसे 2 में 1 रखें तो 2 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 10 तो 3y बराबर 10 माइनस 2y बराबर 10 में 2 गया 8/3। अगर इसी जगह पर हम क्या रख दें, 2 x के जगह पर 1 रखा था, अब की बार में हम 2 रख दें, तो यदि हम 2 रख दें तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 प्लस 3y बराबर 10, यानी कि 4 + 3y बराबर 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 10 माइनस 4, यानी कि y बराबर 7/3। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मान वैल्यू बदलते जा रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान अनंत होता है। क्यों? जो हमने यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जैसे कि हम ऐसे बताए थे, एक है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस सभी को 1 1 कर दें, यानी कि ए वन एक्स बी वन वाई सी वन बराबर 0। अब इसी प्रकार से ए टू एक्स, फिर क्या, बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। यहाँ पे क्या है कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी है, लेकिन एक साथ एक ही प्रश्न में आ जाए तो यह युग्म के रूप में है, जोड़ा के रूप में है, तब इसीलिए हम इसको कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। देख रहे हैं यहाँ पे ए वन भी है तो ए टू भी है। इसका हम हल बताए थे, इसके हलों की संख्या कितनी होगी, तो 3। इसका 3 प्रकार के हल होते हैं, जिसमें से हमने कॉन्सेप्ट दिया था एक, मतलब कि पेपर में बताया था, इस तरह से उसका बॉक्स बना करके बताया था कि इनको याद कीजिएगा, कि एक का अद्वितीय हल तो कोई हल नहीं, तो अनगिनत हल, इस प्रकार से बताए थे, जो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट था। जैसे एक है यदि ए वन बटा ए टू और नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू, तो हमने इसका बताया था कि यह अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय। फिर इसी प्रकार से हो जाए ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू और नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू, तब इसका क्या होता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता। कहाँ से ए वन बटा ए टू आ रहा है तो समझ ही रहे आप लोग। फिर इसी प्रकार से हमने बताया था कि ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू, यानी कि तीनों यदि बराबर हो जाएगा तो इसका क्या होंगे कि अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, ये बताया था हमने।
और इन सभी के साथ साथ ये भी बताएगा बताया था कि अद्वितीय हल को इसी को एक और नाम से जानते हैं एक हल, और कोई हल नहीं इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है विरोधी या असंगत। इसी को क्या कहा जाता है? विरोधी या असंगत। और इसको क्या कहा जाता है? संगत। अब हमने क्या किया था कि तीनों का ग्राफ के माध्यम से भी बताया था कि इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी टाइप का होगा, दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे। इसका हमने बताया था ये क्या है, कोई हल नहीं का, इसका क्या होगा कि पैरेलल होगा, इसका ग्राफ पैरेलल होगा, किसी टाइप का इस टाइप से नहीं हो जाए। क्यों नहीं हो जाए? मतलब कि पैरेलल होगा, समानांतर होगा। इसका हमने बताया था कि संपाती होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। ये हमने पिछले वीडियो में का थोड़ा सा रिवाइज किया, और अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है किसी भी हालत में, क्योंकि चैप्टर में इसका बहुत ही उपयोग होने वाला है। तो 5 मिनट हम लोगों ने इसका देख लिया, थोड़ा रिवाइज। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन के अनुसार बढ़ते चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, 3.1 का केसी सिन्हासन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बारीकी से समझिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है। आगे 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। आप लोग क्वेश्चन को अपने खुद से पढ़िएगा, इस स्थिति या कथन का बीजीय तथा आलेखीय। बीजीय हमने कल 2 क्वेश्चन चला था, बीजीय और आलेखीय दोनों निरूपित किया था, आज फिर से करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके लिए कि पिता और पुत्र का उम्र मानेंगे क्या, तो एक का एक्स मान लेते हैं और एक का वाई। तो माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर एक्स वर्ष और पिता की वर्तमान उम्र बराबर वाई वर्ष। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों की उम्र हमने मान लिया एक्स और वाई। अब प्रश्न कह रहा है कि अपने पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की वर्तमान उम्र के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है, यानी कि पिताजी का जो उम्र है वह वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट की बात की जाए तो पिताजी का उम्र पुत्र के उम्र का दोगुना से 30 वर्ष से अधिक है। यानी कि सपोज आज उनके बेटा का उम्र कितना, 10 वर्ष, प्रेजेंट की बात है, कितना 10, किसका बेटा का है 10 साल। अब इनके बाबूजी बाप का उम्र क्या है, तो दुगना से 30 अधिक, यानी किसका दुगना करेंगे 20, 10 × 2 = 30 अधिक 30। ये तो हमने 10 आपका क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू को बनाया ना, लेकिन यहाँ हमने क्या किया है, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल मान रखे हैं, माने हैं एक्स और वाई। प्रश्न यहाँ भी एक्स कौन है, बेटा पुत्र, वाई कौन है, पिता। इस प्रकार से यानी कि वाई पिता तो एक्स पुत्र, कुछ भी लिख सकते हैं बराबर का इधर उधर आप उलट पुलट कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि प्रेजेंट जो एज है पिताजी जो हैं पुत्र के उम्र के दोगुने से 30 वर्ष अधिक, तो बराबर कैसे हम लिख सकते हैं, हमें बराबर लिखने का हक नहीं। अब इसको हम बराबर लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसको भी दुगना कर देते हैं, ये दुगना से 30 वर्ष अधिक है तो इसको भी क्या किए हैं दुगना कर देते हैं और 30 साल जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, दुगना करके 30 साल जोड़ दिए तो 2x + 30, अब दोनों बराबर हो जाएगा, हो गया ना। अब इस प्रकार से एक समीकरण मेरा प्राप्त हुआ। फिर प्रश्न से अब की बार में क्या कहता है कि 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र क्या हो जाती है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना 10 वर्ष के बाद। ये तो प्रोजेक्ट का बात था, 10 साल बाद क्या होगा, दोनों में 10 जोड़िए, एकरो में 10 जोड़ के बढ़ जाइए, और इसमें भी कितना है एक था, तो इसमें भी क्या करते हैं 10 जोड़ लिए। 10 साल बाद पिताजी का उम्र जो है वह पुत्र के उम्र का कितना हो जाता है, तो पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3 गुना हो रहा है, समझे।
तो इसको फिर हम बराबर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह तीन गुना है, तो बराबर कैसे लिख सकते हैं? तो बराबर लिखने के लिए हमको क्या करेगा करना पड़ेगा कि पुत्र के उम्र में फिर क्या करेंगे, तीन से गुना कर देते हैं। इसमें क्या किया, तीन से गुना। अब इसको बस जैसे वैसे कर देते हैं, y प्लस 10 बराबर 3x प्लस 30, यहाँ तक ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अब इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, y बराबर 3x और 30 और 10 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो 10 घटेगा तो प्लस 20। समीकरण सेकंड हमारा फर्स्ट और सेकंड समीकरण इस प्रकार निकला। यहाँ पे क्या लड़कन सब करता है कई बार कि देख रहे हैं ना, हम गुना किधर कर रहे हैं पुत्र में, जोड़े किधर पुत्र में, क्योंकि बाप तो ऑलरेडी बड़ा ही होगा ना, तो गुना जोड़ना सब पुत्र में किए बराबर करने के लिए। लड़कन गलती क्या करता है, एकरा में गुना बापू बाबूजी में कर देगा, बाप में गुना बाप में जोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, इसको नहीं करना है। हाँ यहाँ तो बाप बेटा का कॉन्सेप्ट है तो पकड़ में आ जा रहा है, लेकिन अगर नाम भी दे दे मोहन सोहन ए बी क ख ढोलना सोवेला कुछ भी अगर नाम भी दे दे, तो वहां भी आपको पकड़ना पड़ेगा प्रश्न में कि किसमें गुना करें किसमें जोड़े, बस यही लोचा है। अगर आप इस चीज को पकड़ पा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी है। और इस टाइप का एनसीईआरटी में कई एक प्रश्न है, आफ्ताब तो आफ्ताब का पिता, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन है करके उसको भी देखेंगे। चलिए अब इसका क्या करना है, इसका तो हम बीजीएम हल कर दी, अब इसका हमको अलिखी निरूपण करना है, ग्राफ के माध्यम से इसको दिखाना है। तो ग्राफ के माध्यम से बस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों का पहले देख लेते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, पहले हम एक तरफ समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं, कितना है वाई बराबर 2x प्लस 30, और एक इधर में हम क्या लिख देंगे y बराबर 3x प्लस 20 समीकरण सेकंड। बाकी चीजों को क्या करते हैं मिटा देते हैं, वहां तक बीजिए था, हम क्या कर रहे हैं ग्राफी हल कर रहे हैं। यहां पे क्या करेंगे, मानेंगे समीकरण फर्स्ट है और उधर क्या है समीकरण सेकंड है, दोनों में अब मानना चालू। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माना कि x बराबर मानते हैं, माना कि x बराबर माइनस 10। अब सोचिए x क्या मान है माइनस 10, तो y किधर रहा अपने देख लेंगे, चाहे कहीं भी आप कर सकते हैं, साइड में भी कॉपी में भी कर लीजिए, यहाँ भी कर सकते हैं। तो y बराबर 2 गुने माइनस 10 प्लस 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 20 प्लस 30, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 10। यानी कि x बराबर हमने माइनस 10 माना तो y का मान 10। अब इसको हम बार बार नहीं करेंगे, इसमें केवल इतना लॉन्ग चल रहा है। फिर माना कि अब की में माना कि x बराबर 0, x बराबर क्या मान लीजिए 0, तो यहाँ तो आपको नजर आ रहा है कि हम इसको 0 मानेंगे तो 2 में 0 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू कितना बच जाएगा 30। अब क्या करेंगे इसको बॉक्स से कर देंगे, एक्स वाई, एक्स का मान कितना माइनस 10, तो y का मान कितना 10, x का मान कितना 0, तो y का मान कितना 30। अब यही प्रक्रिया रिपीट जस्ट इसी प्रकार से यहाँ होगा, यहाँ भी क्या करेंगे कुछ मानते हैं, यहाँ भी मान लेते हैं, माना कि यहाँ भी कुछ मानेंगे, मान लिए कि यहाँ भी माना कि x बराबर माइनस 10, क्या मान लिए तो कितना हो जाएगा, कर ही देते थोड़ा सा, 3 गुने माइनस 10 प्लस 20, तो y का मान यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 30 प्लस 20, यानी कि y बराबर यहाँ भी आया माइनस 10, तो y का मान भी माइनस 10। अब आगे इसी में देखेंगे कि मान लिया कि माना कि x बराबर 0, x बराबर 0 तो y का मान यहाँ पर स्पष्ट है कि क्या बच जाएगा 20। यहाँ भी फिर से क्या करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में x y, x का वैल्यू कितना रखा माइनस 10, तो y का वैल्यू कितना आया माइनस 10, जब हमने x का वैल्यू कितना रखा 0 तो y का वैल्यू कितना आया 20। अब इसका ग्राफ में निरूपण कैसे करेंगे चलेंगे, अब हम ग्राफ देखेंगे, इसका हम ग्राफ जो बना रहे थे देखेंगे, ग्राफ पेपर पर हमने लिया यह ग्राफ पेज, इस पे देखिएगा मेरे पास तो पेन पेन की सहायता लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि बीच में आप लोग स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं स्केल उस्केल कुछ नहीं, डायरेक्ट ड्रॉप, मेरा हिलेगा डूलेगा गड़बड़ होगा कोई बात नहीं, हमको नंबर नहीं लेना है, हमको केवल आप लोगों को समझाना है। यहाँ वाई, यहाँ पे क्या करेंगे वाई डैश,
फिर क्या करेंगे, इधर इधर हम जानते हैं क्या हो जाएगा x, तो इधर क्या हो जाएगा x डैश। ठीक, अब इसमें हमको क्या कह रहा है समीकरण, इसका हम जानते हैं कि देख रहे हैं 10 20 10 30 इस तरह का आ गया है, तो इसमें भी हम 10 10 का अंतराल ले लेते हैं, यहाँ कर देते हैं 10, फिर यहाँ क्या कर देते हैं 20, फिर इसके बाद क्या कर देते हैं 30, फिर क्या कर देते हैं 40, फिर क्या करते हैं 50, ज़्यादा जाने की आवश्यकता ही नहीं, इसमें 30 तक ही है तो 30 तक ही जाएंगे, फिर इधर 10 20 30 और क्या 40 50, इधर में भी इधर माइनस में होता है माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50, इधर में भी हम जाएंगे माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50, मेरा हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास किया है, हमें आशा है कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद समीकरण फर्स्ट का देखते हैं, माइनस 10 और 10 है, जब x का मान कितना माइनस 10 तो y का मान 10, तो यहाँ पे देखेंगे x का मान 10, तो x का मान 10 किधर, इधर x का मान क्या 10, तो y का मान कितना है 10, यहाँ पे तो यहाँ पे एक बिंदु देंगे, फिर इसके बाद कितना है x का मान 0 तो y का मान 30, x का मान 0 यहाँ होता है तो y का मान 30 यहाँ। अब इसको हम क्या करेंगे कि स्केल रख करके इस तरह से, हम तो यहाँ पे स्केल नहीं है मेरे पास, जो है हम उसी से करने का प्रयास कर रहे हैं, स्केल रख करके इसको इस तरह से हम मिलाएंगे, मिलाइएगा आप इस तरह से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद कौन सा समीकरण का है, उस समीकरण का नाम लिखेंगे वाई बराबर 2x+30, समीकरण लिख देंगे। अब इसका देखेंगे x का वैल्यू कितना माइनस 10, तो x का वैल्यू माइनस 10 और y का वैल्यू माइनस 10, x का माइनस 10 यहाँ y का माइनस 10 यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 20, x का वैल्यू 0 यहाँ पे तो y का वैल्यू सॉरी प्लस में 20 तो इधर ऊपर क्यों जाएंगे यहाँ यहाँ। अब इसका क्या होगा, हम इसका भी ग्राफ खींचेंगे, आप लोग स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा तो काम अलग है, इस तरह का ग्राफ लगभग बनकर तैयार होगा, और यहाँ भी हम इस रेखा पर भी क्या करेंगे इस समीकरण को लिखेंगे, यानी कि y बराबर 3x+20 आपका इस प्रकार से लगभग तैयार होगा, मेरा थोड़ा इधर उधर है उसको आप माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ट्रेन ए के पहिए का पथ समीकरण के रूप में दिया है और ट्रेन बी के पहिए का भी समीकरण दिया है और इसका ज्यामितीय रूप कह रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, तो इसका आप ज्यामितीय रूप यानी कि आपको इसका आलेख खींच करके दिखाना है, हम यहाँ पर इसका भी आलेख खींचने का प्रयास करते हैं, देखिएगा देखिए हम जो मानते हैं 1 2 3 4 आप भी अपने इच्छा अनुसार वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम जो मानते हैं वो कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेशन की सुविधा के अनुसार वैल्यू पुट कीजिएगा, अब इतना ना मान लें कि ऐसा माना जाए कि 100 आ जाए 200 आ जाए जो कि ग्राफ पेपर पर अटे नहीं, तो ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि ग्राफ पे अटे, उसको देख करके उसको ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, बनाते बनाते एक्सपीरियंस और अनुभव से आप भी वैसा मानने लगेगा, हम जानते हैं लड़कों को यही सोचने में आता है कि हम कैसे मान लेते हैं कि 2 माने कि 3 माने और इतना सटीक मान लेते हैं कि ग्राफ सही ढंग से बन पाता है, हम कभी कभी ऐसा मान लेते हैं कि ग्राफ बनता ही नहीं ढंग से, तो आपको बनाते बनाते उस चीज़ का अनुभव होगा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। चौथा में दोनों समीकरण देखते हैं, एक है x+2y-4=0, x+2y-4=0, ये आपका समीकरण फर्स्ट है ए के लिए है, पहला ए के लिए, दूसरा का बी ट्रेन के लिए है 2x+4y-12=0, जस्ट जैसा बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ मानेंगे,
क्या, तो मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट में पहले पाना है कि y बराबर 1। इसको और आसान करने के लिए हम ऐसा भी क्या छोड़ी ना, जब y बराबर 1 मान लें, जब y बराबर 1 माना, y बराबर 1 मानेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 गुने 1 माइनस 4 है ना बराबर 0, तो x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि इधर कितना हो जाएगा माइनस 2, यानी कि x बराबर 2 है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, फिर हम मानेंगे y बराबर की, माना कि y बराबर यहाँ पे हम मान लेते हैं 1, तो y बराबर हम 1 मान लेंगे, तो x प्लस 2 गुने 1 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 2, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा x माइनस 2, y नहीं सॉरी दोनों बार एक ही मान लेंगे ना, इसका 2 मान लेते हैं, 2 इसका मान लीजिए, जब y बराबर कितना 2, तो y बराबर हम क्या किए हैं 2 माने हैं ना, तो 2 तो मेरा ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यानी कि x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 0। फिर क्या करते हैं आगे, इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें भी मानेंगे, जब इसमें मान लेते हैं y बराबर 1, y बराबर कितना 1 माने, जब हम y बराबर 1 माने तो इसका क्या आता है, ये नहीं है कि हम किसी को भी मान सकते हैं, 2x प्लस 4 गुने 1 माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 2x कितना हो जाएगा प्लस 4 माइनस 12 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा माइनस 8, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना 4। अब आगे जब हम y बराबर हम कितना मानेंगे, y बराबर हम मान लेते हैं इस बार 2, तो y बराबर हम क्या करते हैं 2 मानते हैं, तो 2x प्लस 4 गुने 2 माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 2x 4 गुने कितना 8 माइनस 12 बराबर 0, 2x कितना हो जाएगा माइनस 4, उधर जाएगा प्लस में तो 2 गुने 4 यानी कि 2, यानी कि जब हम y बराबर 2 माने तो इसका वैल्यू भी 2, और जब इसका क्या कितना माने थे y बराबर 1 तो x का वैल्यू कितना आया, तो 1 माने तो इसका वैल्यू आया 4, ठीक है। फिर इसका हमने क्या किया था, y बराबर 1 माना, तो 1 माना तो इसका वैल्यू आया 2, जब हमने y बराबर कितना माना 2, जब हमने y बराबर 2 माना तो इसका वैल्यू कितना आया 0। अब इसका क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे जैसा हम बनाते हैं, बॉक्स बनाने के बाद x लिखेंगे y, x का वैल्यू कितना माने हैं, x का वैल्यू 2, तो y का मान कितना आया 1, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है 2। इसमें भी देखेंगे जब x का वैल्यू xy, जब x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1, जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, दोनों 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर देखेंगे, चलो ग्राफ पर कैसे रखेंगे, कैसे कैसे देखेंगे कितना है, तो हमको एक बताओ सब पूरा का पूरा क्या प्लस में, माइनस में कोई वैल्यू आया नहीं, माइनस में हमको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्या करते हैं कि यहाँ हमने बनाया, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे इस तरह से इधर 1 2 3 4 चार तक ही किया, 1 2 3 4। चलिए समीकरण फर्स्ट का हम ग्राफ खींचने का कोशिश करते हैं, लाइन इसके लिए तो 2 1, x का 2 तो y का 1, यानी कि यहाँ पे x का 2 y का 1, इधर x है ना y, इधर y, अब कितना x का 0 तो y का 2, x का 0 तो y का 2 यहाँ होगा, इसको हम मिलाएंगे तो इस प्रकार ऐसे मिलेगा,
इसका हम यहाँ पे समीकरण लिखेंगे, एक्स प्लस टू वाई माइनस चार, एक्स प्लस टू वाई माइनस चार बराबर जीरो, इस तरह। फिर देखेंगे इसका, एक्स का चार तो वाई का वन, एक्स का चार तो वाई का वन यहाँ आएगा, एक्स का चार तो वाई का वन यहाँ आएगा यहाँ पे। फिर कितना, एक्स का दो तो वाई का दो, एक्स का दो, एक्स का दो तो वाई का भी दो। और इसका भी क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफ कीजिए, इस तरह से लगभग पैरेलल में समानांतर ग्राफ होगा। और इसका भी यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण लिख देंगे, आपका इस प्रकार से आलेख हो जाएगा, आप लोग देख पाए होंगे। अब इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं अगला। अगला आपका प्रश्न पांच नंबर है, राजमार्ग एक और दो, बस वही है पिछला बार ए बी सी डी करके दोनों एक ही, चौथा पांचवा से दोनों प्रश्न एक ही जैसा बनेंगे, बार बार हम बना करके एक ही जैसा प्रश्न, टाइम को क्यों किल करें। अब देखते हैं छठा, एक व्यक्ति ए बिंदुओं जीरो तीन और एक तीन को मिलाने वाली राह पर एक राह पर दूसरा व्यक्ति, तो इसका क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छठा में केवल ज्यामितीय निरूपण करना है, तो ग्राफ पर ही देख लेते हैं कितना तक गया है, तो जीरो चार पाँच, मैक्सिमम वैल्यू पाँच है, तो ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसमें पाँच तक जाए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। इसको क्या करते हैं, वो भी क्या है, प्लस की तरफ ही जाने के लिए बात है, तो इसको हम प्लस ही ना, केवल प्लस है, यहाँ ऐसे कर देंगे, मैं कर दिया यहाँ इधर, क्या करेंगे, एक दो, देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं, तीन चार पाँच, पाँच तक नंबर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर का नंबर एक दो तीन चार पाँच, इसका नंबर दिया, ये है मेरा x, x डैश y, y डैश, हो गया स्पष्ट। अब इसमें हम खींचेंगे लाइन, तो पहला कितना कर रहा है, तो जीरो तीन, जीरो तीन, तो इसमें जीरो यहाँ और y के लिए तीन यहाँ, यहाँ पे होगा। फिर कितना, तो एक तीन, तो y के लिए एक यहाँ, सॉरी x के लिए एक यहाँ और तीन यहाँ। अब इसका लाइन खींचना है, खींच दिए मेरा इस तरह से हुआ। अब इसके बाद कितना है, जीरो चार सेकंड के लिए, तो जीरो यहाँ होता है, चार यहाँ हो जाएगा। फिर कितना है, एक पाँच, तो एक यहाँ और पाँच यहाँ, इसका भी लाइन खींचेंगे इस तरह से, मेरा इस तरह से हुआ, कट रहा है। इस प्रकार से आपका छठा का ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब हम लोग सात नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, सात नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेख विधि से हल करें। पहले हम आप लोगों को बताएं अद्वितीय होने का क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, आप लोगों को याद ही होगा। तो अद्वितीय होने का क्या शर्त है, तो ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू। तो पहले तो हमको सपा में जो दिया है समीकरण उसको चेक करेंगे कि क्या यह अद्वितीय है, यदि रहेगा तब हम उसका आलेख खींचेंगे, यदि नहीं रहे तो नहीं खींचेंगे। तो देखेंगे हम इसका पहले समीकरण लिखते हैं, पहला देख लेते हैं, थ्री एक्स, सॉरी हम कहाँ चले गए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए थे, सातवां है ना, सातवां, सातवां में जांच करना है कि एक्स और वाई के कौन मान युग्म समीकरण इतना के हल है। ओ समीकरण आपका हल है या नहीं है देखना है, तो 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर जीरो,
इसको मैं आपका क्वेश्चन है पहला कि आप चेक करके बताइए, x बराबर 0 और y का वैल्यू दिया है 8, आप इसको चेक करके बताना है आपको कि हल है या नहीं। यह जो समीकरण आप देख रहे हैं इसमें x के जगह पर 0 रखेंगे, y के जगह पर 8 रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। यदि कैलकुलेशन के बाद यदि उसका मान 0 के बराबर आता है तो उसका हल होगा, यदि नहीं आता है तो हल नहीं होगा। देखेंगे 4 × 0 − 3 × 8 + 24 = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 = 24 + 24 = 0। आप यहाँ पे देख रहे हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट गया, यानी कि 0 = 0। इट मीन्स इसका हल होगा। अब इसी प्रकार के सतमा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी बनेंगे, बहुत इजी है। आठवां देख लेते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसमें भी एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, क्या है तो 5x − 3y + 30 = 0। इसमें क्या दिया है, फर्स्ट में तो एक मान दिया है a के लिए −6 और 0। आप इसको बोलिए कि आलेख जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण इतना के आलेख पर हैं, जांच करना। इसे भी उसी तरीका से जो हम जानते हैं कि पहले x का वैल्यू होता है और बाद में y का वैल्यू होता है, तो पहले x और बाद में y, यानी कि x बराबर −6 और y = 0। तो जांचने के लिए क्या है, बस इसी में क्या करेंगे, x के जगह पर क्या करेंगे, पुट रखेंगे वैल्यू x का, और 3 के जगह पर y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू कितना है, 0 + 30 = 0। इसको सोल्व करेंगे तो −30 आएगा, इसके बाद ये तो 0 हो ही जाएगा, यह कितना है +30। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस प्लस कटेंगे, यानी कि यह 0 के बराबर हो गया, यानी कि इसका हल होगा ये होगा 1। इसमें 8 में आपको चुनना है कि इसमें से कौन कौन से होगा, उसको चूज कीजिएगा, यानी कि आपका 7वां 8वां बन जाएगा। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 9, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 9 का, अगर एक क्वेश्चन आप समझ पाते हैं तो आपका उसमें भी बहुत सारे अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन है, 8, 9, 10 लगभग वे सभी बना पाएंगे। 9th में ध्यान दीजिएगा, देखिए वो जो कॉन्सेप्ट हम अभी बताए थे a1 / a2 ≠ b1 / b2, ये सब हम 9th का ही देखते हुए बता दिए थे। तो उसका देखिए 9th का कि इसमें दो समीकरण है, पहले क्या है तो 3x + y = 2, 6x + 2y = 1। देख पा रहे होंगे इसमें अद्वितीय पता लगाएंगे पहले, यदि अद्वितीय होगा तब उसका क्या करेंगे, हल मतलब कि उसका आलेख खींचेंगे, यदि अद्वितीय नहीं होगा तो नहीं खींचेंगे। इसके लिए देख रहे हैं आप लोग कि a1 = 3 b1 = 1 हो जाएगा, c1 = 2, फिर यहाँ पे a2 = 6, b2 = 2, c2 = 1। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह जो c का मैटर है, यदि दोनों बराबर की इस तरफ ही है तो c1 c2 जैसे हम ऐसे ले सकते हैं, इसमें से दोनों को बराबर को उस तरफ ही रहे चाहे दोनों बराबर की इस तरफ रहे कोई दिक्कत नहीं, दोनों को बराबर के एक साइड ही कर c1 c2 का मान रखा जाता है। अब इसके बाद हम इसको चेक करते हैं, a1 / a2 और ≠ b1 / b2 रहेगा तभी ना उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा तब हमको तो उसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। इसका देखते हैं पहला कितना है, 3/6, तो 3/6 b1 / b2 में कितना है, 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2, यानी कि 1/2 = 1/2 हो गया, यानी कि यह तो बराबर हो गया। तो बराबर हो जाने पर हम जानते हैं कि उसको क्या कहते हैं, ये तो अनेक हल वाला हो जाएगा, तो इसका ग्राफ तो खिंचाएगा नहीं, इसका हम कह देंगे कि इसका अनेक हल, यानी कि ग्राफ नहीं, अनेक हल नॉट ग्राफ, इसका ग्राफ नहीं खींचना। सेकेंड में देखते हैं 9th का सेकेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 9th का, 2x − 3y + 13 = 0, 3x − 2y + 12 = 0। अब इसका
चलिए ए वन कितना, दोनों सी के लिए बोले थे कि बराबर के एक साइड होना चाहिए, एक साइड है। सी वन के लिए टू, सॉरी ए वन के लिए टू, बी वन के लिए माइनस तीन और सी वन के लिए तेरह। फिर क्या, ए टू के लिए तीन, बी टू के लिए कितना माइनस टू और सी टू के लिए कितना बारह। अब इसका क्या देखते हैं, ए वन तो ए वन के लिए आपको कितना लिखेंगे, डायरेक्ट करते हैं दो बटा तीन, इसका क्या लिखेंगे माइनस तीन बटा दो। यहाँ पर बराबर का सीन है, माइनस 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 खत्म। यही पे हमें पता चल रहा है कि दो बटा तीन, ये जो दो बटा तीन है नॉट इक्वल टू तीन बटा दो, यानी कि यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब कि यह अद्वितीय हल वाला होगा, यानी कि इसका सिर्फ एक हल होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ खींचेंगे, तो इसका ग्राफ खींचे अद्वितीय हल लिख दीजिएगा, अद्वितीय हल है। अब इसके बाद इसका ग्राफ, ग्राफ के लिए क्या करेंगे, एक समीकरण उधर करते हैं, एक समीकरण इधर, और वैसे ही उसी तरह से y x का मान पुट करेंगे और ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ देख लेते हैं इसका। टू एक्स माइनस थ्री थ्री वाई प्लस तेरह बराबर जीरो, कितना है थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस बारह बराबर जीरो। देखते हैं मानेंगे इसमें भी, तो इसका पहले एक साइड कर देते हैं, 2x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3y माइनस तेरह, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y माइनस तेरह बटा टू, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब मान लेते हैं, क्या माना कि किसी को भी माना कि y बराबर एक, जब y बराबर एक मानेंगे तो तीन गुने एक माइनस तेरह बटा दो, यानी कि x बराबर हो जाएगा तीन तेरह, यानी कि माइनस दस, माइनस दस और बटा दो यानी कि कटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस पाँच। फिर इसी प्रकार मान लिए, माना कि कितना, माना कि y बराबर, माना कि y बराबर हो जाए, मान लेते हैं इस बार y बराबर तीन कर देते हैं तीन, तो x बराबर तीन गुने तीन माइनस तेरह बटा दो, यानी तीन तीन नौ माइनस तेरह बटा दो, यानी कि इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चार, माइनस चार बटा दो काटेंगे तो माइनस दो, यानी कि x बराबर माइनस दो। इसको बॉक्स में हम करेंगे तो एक्स y, x का मान कितना, x का मान आया मेरा माइनस पाँच तो y का एक, x का माइनस दो तो y का तीन, y का तीन, यही ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें भी मानेंगे तो मानते हैं, मान पहले एक साइड कर देते हैं, एक साइड कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा, इसको एक साइड करेंगे तो x बराबर, फिर x बराबर पहले तो हो जाएगा 2y माइनस बारह, तो x बराबर कितना 2y माइनस बारह बटा तीन। मान लेते हैं, माना कि y बराबर जीरो मान लिया, y बराबर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे x बराबर दो गुने जीरो माइनस बारह बटा तीन, यानी कि आपका माइनस बारह बटा तीन काटेंगे तो माइनस चार, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना माइनस चार। फिर इसी प्रकार से आपकी मान लेते हैं, माना कि वाई बराबर, आपकी मान लेते हैं वाई बराबर क्या तीन, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दो गुने तीन माइनस बारह बटा तीन, यानी कि छः माइनस बारह बटा तीन, यानी कि इसको करेंगे तो माइनस छः बटा तीन काटेंगे तो माइनस दो। इसका भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू कितना माइनस चार तो वाई का वैल्यू कितना जीरो, एक्स का वैल्यू माइनस टू तो वाई का वैल्यू तीन। अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींचेंगे, इसका आलेख खींचना है ना, तो आलेख हम देखते हैं कॉपी पे, कितना तक है तो माइनस पाँच तक ही मैक्सिमम है, देख लेते हैं ग्राफ करके।
इसमें देखते हैं ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर हमने ऐसे किया ऊपर में जानते हैं प्लस में, एक दो तीन चार पाँच, इधर एक दो तीन चार कितना पाँच, इधर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच, इधर भी माइनस एक, सॉरी गड़बड़ हो जाता है, यहाँ होगा माइनस एक, फिर माइनस दो बीच में नहीं होगा, फिर माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच। अब इसका फर्स्ट के अनुसार देखेंगे, माइनस पाँच तो वाई का वैल्यू कितना, एक एक है तो माइनस पाँच तो वाई का वैल्यू एक, माइनस पाँच एक्स यानी कि इधर यहाँ हो जाएगा, ठीक वाई का वैल्यू यहाँ से इधर वाई है, वाई डस एक्स डस एक्स, अब कितना एक्स का वैल्यू माइनस दो तो वाई का वैल्यू तीन, एक्स का वैल्यू माइनस दो यहाँ तो वाई का वैल्यू तीन यहाँ। अब इसको इस तरह से मिला देंगे एक लाइन, इसका समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट जो भी था वो लिख देंगे, फिर क्या करेंगे एक्स का वैल्यू माइनस चार तो वाई का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू माइनस चार तो वाई का वैल्यू जीरो यानी कि यहीं पर रह जाए, ठीक है। फिर कितना है एक्स का वैल्यू माइनस दो तो वाई का वैल्यू तीन, एक्स का वैल्यू माइनस दो तो वाई का वैल्यू तीन यानी कि यहाँ यहाँ पर हो जाएगा, काटेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इसका भी समीकरण सेकंड यहाँ जो भी है लिख देंगे और इस प्रकार से इसका आलेख लगभग आएगा। मेरा हिला डुला हुआ है जैसे तैसे है, आप लोग उसको सही से सुधार करके पीजिए। आपका इस प्रकार से नाइन्थ का बनाना है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी दो समीकरण दिया है और आलेखीय विधि से हल करना है, क्या है तो इस प्रकार से, और जैसा 10 बनेगा वैसा ही आपका 11 बनेगा, तो आप लोग के लिए हम 10 बना देते हैं, 11 आप लोग खुद से बनाइएगा। कितना है 3x माइनस 5y बराबर 19, फिर क्या है कि 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। चलिए मानते हैं, फिर उधर x का मानेंगे y का मानेंगे वही पर क्या जैसे हम करते आ रहे हैं, चलिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं तो इसमें इसमें नहीं होगा क्या, जब माना कि y बराबर माइनस दो, जब y बराबर इसमें माइनस दो रखिएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए होगा 3x माइनस 5 गुने माइनस दो बराबर 19 यानी कि 3x माइनस माइनस का होता है प्लस 10 बराबर 19 है ना, तो 3x बराबर 19 और इधर आपका हो जाएगा कितना, उन्नीस और ये आपका माइनस दस एक्स बराबर हो जाएगा नौ बटा तीन यानी कि पर फुट के कितना 3। अब इसी प्रकार से फिर हम रखेंगे एक्स का, माना कि इस बार वाई का मान रख देते हैं एक देखते हैं, 3x माइनस 5 गुने 1 बराबर कितना 19, तो 3x बराबर 19 माइनस 5 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 5, तो x बराबर कितना आएगा 24 बटा 3 यानी कि 8, यानी कि x बराबर कितना 8। बॉक्स बनाएंगे, x का वैल्यू y का वैल्यू लिखेंगे, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू माइनस 2, x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू 1। चलिए अब समीकरण सेकंड में देखेंगे, समीकरण सेकंड में भी यहाँ भी मानेंगे
तो माना कि x बराबर 3y प्लस कितना था, मिट गया समीकरण। सेकेंड आपका है 3y माइनस 7x। इसमें क्या कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मानेंगे, y ही मानेंगे, इस बार y ही नहीं तो x मान लेते हैं। माना कि x बराबर 1 तो 3y माइनस 7 × 1 + 1 = 0, यानी कि 3y तो माइनस 7 और एक कितना हो जाएगा माइनस 6, इधर आ जाएगा 6 प्लस में, तो y बराबर 3 × 2। उसी प्रकार से फिर मान लेंगे, माना कि अब की मान लेते हैं x बराबर इस पर मान लेते हैं माइनस दो करेंगे। माना कि x बराबर माइनस दो यदि हम करते हैं तो 3y माइनस 7 × −2 + 1 = 0, तो इस रूप में क्या हो जाएगा 3y माइनस माइनस का जाएगा प्लस 14 अवे 15, और उधर जाएगा तो -15, तो y बराबर 3 × 15 यानी कि -5। इसका भी बॉक्स बनाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू -5। इस प्रकार आपका आ गया। अब इसको ग्राफीय पेपर पर देखेंगे, और इसको ग्राफीय पेपर को बहुत बढ़िया से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नीचे में कुछ लाइन लिखा हुआ है कि क्या बिंदु 4, 9 इनमें से किसी रेखा पर आलेखित होगा, तो इसके लिए हम इसका ग्राफ पर दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कहाँ तक है, तो नंबर इसका है 8 तक, 8 तक हम मैक्सिमम दोनों मैक्सिमम देख लेंगे। पहले हम इसका बनाते हैं क्या, तो यहाँ पे है, इसको पेन से ही बनाने में ठीक है, क्योंकि फिर उसमें मोटा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे इसका इस प्रकार से हमने लाइन खींचा, सॉरी वाई, तो नीचे वाई डैश, एक हमने बीच से खींचा, एक्स हो जाएगा, एक्स टू एक्स हो जाएगा, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक आखिर जाता है वो 8। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब आप लोग इसको थोड़ा सा देखिएगा बढ़िया से, बस जैसा नंबर होता है हमने लिख दिया है। अब देखेंगे x का मान कितना 3, y का मान कितना -2। अब इसमें x का मान 3 तो y का मान -2 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ करेंगे फिर क्या, x का 8 y का 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे, मेरा तो टेढ़ा हो गया, आप लोग इसको सीधा सीधे, फिर क्या x का 1 y का 2 यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से, फिर क्या, तो x का 1 y का 2 और x का -2 y का -5, x का -2 y का -5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे किया, और यहाँ से इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे, इसको मिला करके आएगा, और नीचे का लाइन कह रहा है कि 4, 9 इनमें से किस रेखा पर इसका समीकरण लिखें, 4, 9 इसमें से किस रेखा पर कटेगा, 4 और 9 तो 4 इधर लीजिए एक्स तरफ और 9 वाई तरफ, यानी कि लगभग यहाँ पे हो जाएगा, 4, 9 लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा। तो ग्राफ थोड़ा बड़ा और अच्छा होता तो वहाँ पे मिल जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, ये किसी तरह से ऐसे मिल ही जाता, हम यहाँ पे कर्व से मिला दिए, ज़बरदस्ती कर दिए, आप लोग इसको अच्छा से बनाइएगा तो मिल जाएगा, और आप लोगों को नहीं विश्वास है कि मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा।
और कौन सा समीकरण मिल रहा है, तो समीकरण टू पर मिल रहा है, और इस पर समीकरण टू जो है लिख देंगे। समीकरण टू कितना है, समीकरण टू है थ्री वाई माइनस सात एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे लिख देंगे थ्री वाई माइनस सात एक्स प्लस वन, इस पर भी जो समीकरण है वो समीकरण लिख देंगे। और आपको विश्वास नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम आप लोगों को एक संतुष्ट करवाता हूँ। आप क्या कीजिए, समीकरण टू पे हमने बोला कि मिल जाएगा, आपको लगता होगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए क्या कीजिए, आप जो समीकरण है उसमें उसका मान रखिए कितना है, चार नौ नौ मिलाना है, चार नौ नौ, तो एक्स के ऊपर चार नौ रख करके देखिए जीरो के बराबर आ जाना चाहिए, अगर आ गया तो मिल जाएगा, यानी कि चार गुने नौ माइनस सात गुने कितना है चार प्लस वन तीन, तीन है ना, तीन तीन गुने नौ सात गुने चार प्लस वन बराबर जीरो, नौ तियाई सताईस, सत चौक कितना हो जाएगा अट्ठाईस, प्लस प्लस कितना वन बराबर जीरो, सत्ताईस अगे अट्ठाईस माइनस अट्ठाईस बराबर जीरो, देख रहे हैं जीरो के बराबर हो जा रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि मिल जाएगा। और जैसा हमने दसवां बनेगा उसी प्रकार से आपका ग्यारह नंबर भी क्वेश्चन बनेगा, और मैं यहाँ आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कॉमेंट जरूर करें कि समझ में आया नहीं आया या क्या प्रॉब्लम है, आप लोग बाद में या किस तरह का नहीं, जो भी आपको जैसा लगे वैसा रिप्लाई आप दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि प्रतिक्रिया के अनुरूप ही हम चलते हैं। यदि आप कहिएगा कि हाँ अच्छा लगेगा तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है, यदि आप कहिएगा कि नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो उससे क्या होता है कि हम अपने आप को उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे, अपनी गलती को ढूंढेंगे, आप लोग गलती को बताइए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।